नथानी, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है वर्षा नथानी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि बहुत ही कॉमन है। जब भी हम लोग वैक्स कराते हैं या किसी सलून में जाके कराते हैं या रेजर से अपने हेयर रिमूव करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमें रेडनेस आ जाती है अपनी स्किन पे, या मतलब दाने दाने हो जाते हैं, या एक तरीके से इरिटेशन हमको मतलब देखने को मिल जाती है, या स्मॉल स्मॉल टिनी बम्स आपको अपने मतलब हाथ पे या पैरों पे देखने को मिल जाएंगे। वो जो टिनी बम्स होते हैं, हालांकि एक से दो तीन आराम से आपको लगा लेते हैं उनको जाने में, पर आज जो मैं आपको ना सॉल्यूशन बताने वाली हूँ उससे आप जब भी हेयर रिमूव करेंगे उससे पहले ये ट्रिक अपनाएंगे या उसके बाद में भी ये ट्रिक अपनाएंगे, चाहे आप अपने हेयर रिमूव कर रहे हो, चाहे वो वैक्सिंग स्ट्रिप से या रेजर से, किसी से भी आप अपने हेयर रिमूव कर रहे हो, तो ये आपको ट्रिक अप्लाई करनी है अपने रिमूव करने से पहले। तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारे हेयर जो हमारी ये रेडनेस आ जाती है, इचिनेस आ जाती है या इरिटेशन हो जाती है हेयर रिमूव होने के बाद, या एक तरीके से टिनी स्मॉल बम्स हो जाते हैं, वो सब प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी इस ट्रिक को यूज करने से पहले। पहले देखेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्योंकि जब भी हम लोग वैक्स करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी स्किन पे एक तरीके से खिंचाव आता है हमारी स्किन पे। तभी भी हम लोग वैक्स की स्ट्रिप ऊपर करते हैं या पुल करते हैं, उससे क्या होता है हमारी स्किन पे खिंचाव आता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारे स्किन पे, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से जो हमारे जो उस जगह पे रेडनेस आ जाती है या इरिटेशन हो जाती है या टिनी बम्स हो जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम में बहुत ही कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको होती है या हर किसी को होती है। अपनी अपनी स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो हो सकता है कि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले, या मतलब ये वेरिएशन होता जाता है इस प्रॉब्लम में। जरूरी नहीं है कि किसी को ना रेडनेस हो, किसी को इरिटेशन होती है, किसी को एक वो स्मूथनेस नहीं लगती है वैक्सिंग के बाद में, या ऐसा कुछ हो जाता है। तो आज इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड उसी के बगल में बेल बटन होगा उसको हिट कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में मेरी इस तरीके से वीडियो तभी भी आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी रेजर की। जब भी आप रेजर से अपना हेयर रिमूव कर रहे हो, चाहे वो हाथ के हों या पैर के हो, तो उससे पहले आप एलोवेरा जेल प्लीज अप्लाई कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे कि हमारी जो स्किन की इरिटेशन हो गई, रेडनेस हो गई, या उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी हद तक कम रहता है। तो जब भी आप अपना रेजर अगर हेयर रिमूव कर रहे हैं तो उससे पहले आप एलोवेरा जेल अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप अपने हेयर रिमूव कीजिए रेजर से अपने हाथ या पैरों के। देन बात करते हैं आप वैक्सिंग की। वैक्सिंग में क्या होता है, पहले तो नहीं लगा सकते एलोवेरा जेल, तभी भी आप वैक्सिंग करवा लें उसके बाद आप अपने हाथ या पैरों पे एलोवेरा जेल अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप एलोवेरा क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं, या एलोवेरा लोशन, जिसमें ऐसा कुछ हो जिसमें एलोवेरा हो, चाहे वो एलोवेरा लोशन हो गया या डायरेक्ट एलोवेरा भी आप अपने हाथ पे या पैरों पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन की प्रॉपर्टीज को काफी हद तक एनहेंस करते हैं, स्मूथ बनाते हैं, सपल बनाते हैं, कोई भी स्किन इरिटेशन हो गया, रेडनेस हो गई, इन्फेक्शन हो गया, इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एलोवेरा। तो जब भी आप मतलब वो करें, वैक्स करवाएं, उसके आप एलोवेरा लोशन लगा सकते हैं, एलोवेरा क्रीम भी लगा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट एलोवेरा भी लगा सकते हैं। ये आपके सूटेबल है कि आपके पास क्या है एंड वही आप लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्किन है वो काफी हद तक स्मूथ फील करेगी वैक्स के बाद। जो आपको अनइजी सा लगता है कभी कभी, या रेडनेस हो गया, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो कि हमें एकदम से हमें स्मूथ लुक नहीं दे पाते हमारे हाथ या पैरों पे एकदम से वैक्सिंग के बाद, वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।